परासिया सामुदायिक अस्पताल में प्रथम चरण में कोविड 19 की वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया गया। परासिया में 106 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पहले चरण में रखा गया, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबसे पहले सभी की जाँच की गई, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया गया। BMO डॉक्टर सुधा बक्सी का कहना है कि इस महामारी जैसी बीमारी से निपटना चैलेंज था, पर भारत सरकार द्वारा जल्द से जल्द इस महामारी का वैक्सीन लाया गया और सभी को विश्वास करके इस वैक्सीन को लगवाना चाहिए। कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है वो सब निराधार है। अपने ANM अनिशा खान को लगाया गया, उसके बाद अभी तक लगभग 30 हितग्राहियों को लगाया जा चुका है और अभी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। और मैं लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते रह रही हूँ कि किसी को कोई अगर समस्या हो तो यहाँ पे AEFI के भी मैनेजमेंट के सभी डॉक्टर्स एंड स्टाफ, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ सभी उपस्थित हैं और साथ साथ में हमारे सुपरवाइजर जो बैठे हैं वो उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं कि भाई आपको अगर कोई समस्या है तो हम लोग बैठे हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो वैक्सीन है बहुत ईजी है, सभी को लगाना चाहिए और भविष्य में ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जो है चैलेंज है, इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार कर लेंगे और सिर्फ अपना कार्य को सुचारू रूप से चलाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।